दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन से एक DSLR तरीके का पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करना चाहते हो, यानी कि आप अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की जो बैकग्राउंड है उसमें डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, उसको थोड़ा बहुत ब्लर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया लेंस है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने पोर्ट्रेट फोटो के साथ साथ जो कैजुअल शॉट्स आप लेते हो उसका जो बैकग्राउंड है उसमें एक काफ़ी बढ़िया डेप्थ इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर सकते हो। तो ये जो लेंस है ये है कासे की तरफ से आने वाला 65mm टेलीफोटो लेंस जो कि एक पोर्ट्रेट लेंस है। इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ इस तरीके के बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज अचीव कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर, और इस वीडियो में हम इस लेंस को रिव्यू करने वाले हैं। तो ये रहा कासे 65mm टेलीफोटो लेंस का बॉक्स, काफी छोटा सा प्यारा सा बॉक्स है। बॉक्स के अंदर आपको अपना लेंस देखने को मिलता है और एक यूनिवर्सल क्लिप मिल जाता है। इस क्लिप को इस्तेमाल करते हुए आप इस लेंस को अपने किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, फिर चाहे आपके स्मार्टफोन में 2, 3, 4, 5 कितना ही कैमरा क्यों ना हो। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक कैरी पाउच मिलता है जिसके अंदर आप इस लेंस को कैरी करेंगे, और यहाँ पर कुछ पेपर्स देखने को मिलता है। लेंस को हाथ में लेते ही पहला चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। कम्प्लीटली मेटल फ्रेमिंग का बना है ये लेंस, जिसकी वजह से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। साथ ही साथ जो ग्लास है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये लेंस लगभग हर एक स्मार्टफोन के साथ कॉम्पेटेबल है, क्योंकि ये जो क्लिप है ये एक यूनिवर्सल क्लिप है, तो लगभग हर एक स्मार्टफोन के साथ आप इस लेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। लेंस को अपने स्मार्टफोन में अटैच करने के लिए सबसे पहले आप इस लेंस को इस क्लिप के साथ अटैच करिए, उसके बाद आपके स्मार्टफोन में जो मेन प्राइमरी कैमरा है उसके ऊपर आप इस लेंस को क्लिप कर दीजिए, और बस आपका लेंस रेडी हो गया है अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल करने के लिए। ये एक 65mm टेलीफोटो लेंस है, यानी कि जब आप इस लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर क्लिप करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा जूम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2x ऑप्टिकल जूम आप इस लेंस से कर सकते हो, और क्योंकि ये ऑप्टिकली जूम करता है तो आपके सामने जो भी सब्जेक्ट होगा जब आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्मूथली और नेचुरल तरीके से ब्लर हो जाएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है वो जितना क्लोज होगा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और जितना दूर होगा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो आपको उतना ही कम मिलेगा। इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए जो फोटोज़ आप कैप्चर करेंगे उसमें आपको ज़रा भी क्वालिटी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके स्मार्टफोन में 48 या फिर 64 मेगापिक्सल मोड होगा तो उस मोड के अंदर भी आप इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, जिसके वजह से आपको एक बहुत ही हाई रिजोल्यूशन पर पोर्ट्रेट फोटोज़ मिल जाएंगे। और जो आइडियल डिस्टेंस से हम एक पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करते हैं उसी डिस्टेंस से आप अपने पोर्ट्रेट फोटो में एक काफ़ी बढ़िया डेप्थ इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, अपनी फोटो की जो बैकग्राउंड है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, एक DSLR में प्राइम लेंस लगाकर जितना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर अचीव किया जाता है, इस लेंस से आपको उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन से जो नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोज़ कैप्चर करते हो जिसमें आपको ज़रा भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर पोर्ट्रेट फोटो आप इस लेंस से कैप्चर कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक काफ़ी बढ़िया एंड स्मूथ नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर आपको अपनी फ़ोटो में मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें फोटो क्वालिटी के बारे में, तो इस लेंस से जो क्लोजअप पोर्ट्रेट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स के फोटोज़ आप कैप्चर करते हो उसमें आपको काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर के साथ साथ आपकी फ़ोटो की जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा शार्पनेस देखने को मिलता है। खास करके क्लोजअप पोर्ट्रेट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स जैसे जो वीडियोज़ है उसमें आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कुछ सैम्पल फोटोज़ देख लीजिए। अब इस लेंस के साथ एक प्रॉब्लम मैंने फेस करे हैं कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर है और इस लेंस की फोकस रेंज के बाहर है, तो ऐसे वक्त पर आपको अपने फ्रेम के चारों तरफ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन और सॉफ्ट एजेस देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी टाइम एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है आपकी फ़ोटो में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये उतना खास नहीं दिखता है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर है और आपका जो लेंस है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, बैकग्राउंड से उसको सेपरेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे वक्त पर आपको सॉफ्ट एजेस के साथ साथ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपके फ्रेम में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस लेंस का क्वालिटी काफ़ी कमाल का है, खास करके क्लोजअप पोर्ट्रेट्स के लिए। उसके साथ साथ एक डिसेंट बैकग्राउंड ब्लर में
कुछ सिनेमेटिक शॉट्स कैप्चर करने के लिए आप इस लेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। लेंस का प्राइस है 3,299 रुपीस, जिसको कि आप एपेक्सल इंडिया की वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। apexl.in वेबसाइट से आप ना केवल ये कासे 65mm, उसके साथ ही मोबाइल के काफ़ी सारे प्रीमियम क्वालिटी के मैक्रो वाइड और टेलीफोटो लेंसेज परचेज कर सकती हो, और यहाँ पर आपको मार्केट से काफ़ी सस्ते प्राइस में प्रीमियम क्वालिटी के लेंसेज मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक आपको मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। बाकी आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस लेंस का क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर।